your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज का हमारा जो ब्लॉग है वो चिकन पार्टी का। दोस्तों चिकन पार्टी मतलब जितना भी चिकन लवर्स हैं वो सबके लिए बहुत सिंपल तरीके से आज हम चिकन बनाने के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग स्टूडेंट लाइफ में किस तरीके से बहुत सिंपल, क्योंकि घर में होता है बहुत ज़्यादा मसाला यूज करते हैं, बट हम लोग चिकन जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो जितना बहुत कम से कम मात्रा में चिकन में मसाला डाल करके एक बेहतर चिकन, टेस्टी चिकन हम लोग बनाते हैं। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद सारे दोस्त मिले हैं, और आज जो है तो गुरु पूर्णिमा के बाद जो कार्तिक है वो खत्म हो चुका है 4:30 बजे के बाद, और आज का ही दिन है जो कि चंद्र ग्रहण भी आज लगा हुआ था। तो 6:30 बजे के बाद हम लोग फ्रेश एकदम नहा धोवा करके रेडी हुए और चिकन लेकर के आए हैं, और अभी हम लोग चिकन बनाने जा रहे हैं। तो चिकन प्रक्रिया जो है किस तरीके से बनाना है वो हम बताने वाले हैं। तो हम लोग सारे दोस्त अभी रेडी हो चुके हैं। तो अभी देखिए हमारे पीछे एक सर है जो पढ़ रहे हैं अभी, बाकी देखिए इधर जो है वो कटिंग सेटिंग चल रहा है अभी। तो देखिए यही हमारा जो स्टूडेंट लाइफ में देखिए किस तरीके से जुगाड़ लगाया हुआ है। बाकी अभी देखिए इधर प्याज छील रहे हैं और ये चिकन धो रहे हैं। देखिए उसके हम लोग एक टेस्टी चिकन, मतलब सारे चिकन लवर के लिए आज बनाने वाले हैं। तो चलिए एंजॉय कीजिए। हम कि हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है धुला करके। उसको देखिए इधर प्याज कट चुका है और अभी बाकी कट रहा है, और देखिए लहसुन भी है और धनिया पत्ता देखिए, और हम लोग के पास दो मसाला है देखिए, एक गरम मसाला और दूसरा जो है वो चिकन मसाला है। तो ये सारे बस इतना ही सारा मसाला है। अभी देखिएगा किस तरीके से हम लोग मसाला को बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। तो चलिए, तो देखिए हमारा चॉपर में कुछ कुछ मसाला डाल चुके हैं। मसाला मतलब मिर्च डाले हैं, प्याज डाले हैं, अभी लहसुन डालना बाकी है, और कुछ कुछ देखते हैं क्या क्या हम लोग के पास अवेलेबल है, सब कुछ डालेंगे दोस्तों। तभी देखिए हमारा कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुका है, अब तेल इसमें डालना है ना। तो देखिए हमारा जो प्याज है वो भुना रहा है, और इसको भी दिखाइए, नया सेफ हमसे अच्छा बनाता है इसीलिए इसको बनाने के लिए दिए हुए हैं। तो ये लड़का बहुत अच्छा बनाता है चिकन, रेस्टोरेंट में खाते हैं उससे ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। जो कि रेस्टोरेंट के तरीके से कुछ भी यहाँ पे मसाला यूज़ नहीं किया जा रहा है, आपको सिंपल देखिए यहाँ पे मसाला आपको दिखाते हैं, दिखाइए सर इधर। तो ये देखिए सिर्फ इसमें लहसुन डाला हुआ है और मिर्चा डाला हुआ और थोड़ा सा प्याज डाला हुआ है। तो और बाकी जो आपको मसाला, तीन मसाला आपको दिखाया थे, गरम मसाला और चिकन मसाला, बस इसी का यूज करके आज चिकन बनने वाला है। तो चॉपर जो है इसमें सारा मसाला, जो मिर्चा और प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं। अब देखिए इसको खींचने का तरीका है सिंपल, आप इस तरीके से खींचिएगा इसको, ये मसाला आपका रेडी हो जाए। एक दो मिनट तक आप खींचिए इसको, उसके बाद खींचने के बाद मसाला जो है रेडी हो चुकेगा। जैसे अभी हम मसाला खींच रहे हैं घना दल, तो उसके बाद आप देखिए मसाला रेडी हो जाएगा। अभी इसको खोल करके दिखाते हैं, देखिए इस तरीके से मसाला, मतलब छोटा मिक्सी है ये। तो अभी देखिए मसाला थोड़ा सा, जितना देर हम अभी इसको खींचे हैं ग्राइंड किए हैं, देखिए इस तरीके से इतना मसाला अभी तक हो चुका है। अभी और थोड़ा सा इसको ग्राइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। हमारा चिकन जो है वो कढ़ाई में डला चुका है, और कितना टाइम लगेगा? बस आधा घंटा और, आधा घंटा ये पूरा बनाएगा ना, आधा घंटा में ये तैयार हो जाएगा अच्छे से, इसका कलर जो है बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए अभी आधा घंटा तक धीमी आंच में ये बन रहा है। तो चलिए अभी वेट कीजिए और डायरेक्ट आपको दिखाते हैं बनने के बाद। गाइस देखिए ये हमारा अभी जो चिकन है वो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रहा है, ये पानी सूखने के बाद सारा मसाला जो है इधर देखिए रेडी हो रहा है। तो अभी उसमें गरम मसाला डाल चुके हैं, और देखिए हल्दी डाल रहे हैं, बाकी जीरा गोलकी पाउडर भी रखा हुआ है यहाँ पे, और धनिया पाउडर भी है। ये सब अभी मिक्स होने के बाद अभी इसमें डालने वाले हैं। तो ग्राइंडर में मिक्स किए थे वो सब मसाला इसमें डाल चुके हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो बाकी मसाला है वो अभी मिक्स हो करके इसमें डालने वाले हैं। तो चिकन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका और सिंपल तरीका है कि आप चिकन को जितने सारे जो प्याज वगैरह है पहले भून लीजिए, उसके बाद अपने चिकन को डाल दीजिए, और लगभग 15 से 20 मिनट तक उसको धीमी आंच में पकने दीजिए। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद नमक अपने स्वाद अनुसार इसको डाल दीजिए, और फिर जो मसाला वगैरह जो आपने बना करके रखा हो या फिर जो यूज करते हैं वो सब इसमें डालिए, और फिर से धीमी आंच में लगभग 10 से 15 मिनट, मतलब टोटल आप आधा घंटा इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करना पड़ेगा, तब जा कर के इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अभी हमारा सारा मसाला वगैरह डला चुका है इसमें, उसके बाद यहाँ पे अभी ये थोड़ा फ्राई होगा जो मसाला हमने डाला है, उसके बाद फिर आगे बताते हैं क्या होता है इसमें।
क्या एक यहाँ है फिल्म देख रहे हैं, बाकी इनका कल बीएड का फाइनल एग्जाम चल रहा है तो ये अभी स्टडी में ध्यान दिए हुए हैं। और कौन सा फिल्म देख रहा है, देखो कौन सा फिल्म है, हमें नाम नहीं पता। अरे इस तरीके फिल्म देख रहा है, इसको नाम ही पता नहीं। वाह भाई साहब शाबाश। वो टाइम आ गया है जब हम लोग चिकन में पानी डालने वाले हैं। चिकन में हम लोग पानी डाल चुके हैं, आपके स्वाद के अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप पानी डाल सकते हैं। जैसे हम लोग अभी चार को हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पानी डाले हैं इसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा पानी। तो ये हमारा फाइनली अब जो है लास्ट पोजीशन पे आ चुका है, चिकन बन करके रेडी हो चुका है। बस पानी डालने के बाद ये हल्का धीमी आँच में खोलेगा, उसके बाद देखिए हमारा धनिया पत्ता जो है वो रेडी हो चुका है कट करके। तो फाइनली देखिए हमारा चिकन रेडी हो चुका है, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है इस बनने के बाद, देखिए टेस्टी भी लग रहा है। अभी खाने के बाद इसका टेस्ट हम लोग बताएंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है दोस्तों हम लोग खाने के लिए, तो चलिए अब खाने पे मिलते हैं। तो हम लोग का चिकन रेडी हो चुका है और चावल निकलना शुरू हो गया है। तो देखिए अभी दो कोए बैठे हुए हैं, बाकी अभी हम भी खुद बैठने वाले हैं और एक और भाई साहब अभी बैठेंगे, उसका देखिए मज़ा आने वाला है। अभी चिकन का टेस्ट कलर देख करके तो लग रहा है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बाकी खा करके बताते हैं। तो अभी हम लोग चिकन पार्टी स्टार्ट करने वाले हैं, बन करके रेडी हो चुका है। तो देखिए इधर सारा कुछ बटाई हो चुका है, अब खाली टूट पड़ना है चिकन पे। चिकन पार्टी चलना स्टार्ट हो चुकी है और सब के सब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो चुके हैं। चिकन एक मंथ वेट करने के बाद आज खा रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग कर चुके हैं। ये देखिए राक्षसों का स्टार्ट हो चुका है खाना, लग रहा है खाने में। यार बताओ जल्दी से, बहुत मस्त, बहुत मस्त लगा ना। देखिए देखिए लेग पीछे पहले तोड़ रहा है लड़का। तो देखिए अच्छा बना है, रिव्यू तो अच्छा आ रहा है, बाकी अभी और हम लोग खा करके देखते हैं। मेरा लेग पीस यही है छोटा वाला, बाकी सब खा गया लेग पीस वाला। यहाँ रखा लेंगे, मैं खा लूँ, खा लेना। तो यही है लेग पीस, देखिए दोस्तों कितना चिकन का चिकन। देखिए दोस्तों इसी तरह से पैर को लेग पीस बताया जाता है और यूट्यूब में इसी तरह से आपको वीडियो बनाया जाता है और लोग बनते भी हैं। आप लोग क्या बोलते हैं इसमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये था दोस्तों पूर्णिमा खत्म होने के बाद हम लोग का पहला पार्टी, जो कि दोस्तों के साथ नाइट में आज फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद हम लोग चिकन पार्टी किए हैं। तो आपको ये रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।